चैप्टर नंबर टू है स्ट्रेट लाइन का। यार इस चैप्टर में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट है वो इतने मुश्किल नहीं है जिनकी डिटेल में जाया जाए। मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको समझ आ जाएगा वरना नहीं आएगा। तो बेहतर तरीका ये कि आप लोग पहले चैप्टर टू को सही तरीके से पढ़ लेना। और ये वो चैप्टर है जिसमें कुछ खास कैंसिल नहीं हुआ, जो एक्सरसाइज कैंसिल हुई है उसकी वैसी इतनी अहमियत नहीं है। तो ये आप लोगों को पहले से आना चाहिए। मैं 2.1 से आप लोगों को बताना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपने इस चैप्टर में पढ़ा था और वो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हो। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है कि जिसमें एक्सिस जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब इसमें दो एक्सिस आप कंसीडर करते हो क्योंकि 2D सिस्टम आपने लिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस जो है ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो वो सिस्टम जिसमें दो एक्सिस परपेंडिकुलर हों, चैप्टर नंबर 9 में जाके जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो उसमें आप 3 एक्सिस भी कंसीडर करोगे। तो अगर एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस सिस्टम को आप कहते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या आप बोलते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों इसके नाम है। दूसरी चीज, ये किस लिए यूज होता है, ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए यूज होता है। लेट कर लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, मैं कैसे बताऊंगा इसकी पोजीशन। तो उसके लिए आप ये पूरा सिस्टम यूज करते हो जिसमें सबसे बेसिक चीज होती है कि आप अपना रेफरेंस फिक्स करते हो, क्योंकि जब भी रियल लाइफ में भी आप बात करते हो तो आप रेफरेंस को रख के सामने बात करते हो। अगर आपके जहन में है कि भाई 80% अच्छी होती है तो ये आपको किसने बताया है, इसने बताया है कि भाई आप कॉलेजेस में देखते हो जाके, आप यूनिवर्सिटीज में देखते हो कि परसेंटेज 80 है तो आपको फील्ड मिल रही है वरना नहीं मिल रही, तो वहां से आपने रेफरेंस रखा हुआ है। अगर यही आपकी एनडी यूनिवर्सिटी में 60% पे अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो आप 60% को अच्छी परसेंटेज बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस रखा हुआ है एक चीज को। तो रियल लाइफ में आपको ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आप रेफरेंस फिक्स करते हो। अगर घर में दो बच्चे हैं, अगर एक को डांट पड़ेगी तो दूसरे की तारीफ होगी, तो दूसरे को रेफरेंस बनाया जाएगा कि यार उसने 80 ली थी तुमने क्यों 60 ली है, क्योंकि उसकी 80 को अच्छा माना जा रहा था तो ऑब्वियसली 60 कम हो जाएगी। तो वही रीजन है, यहां पे आप एक रेफरेंस लोगे जिसके तहत आप पॉइंट की पोजीशन को शो करोगे। तो वो रेफरेंस होता है जिसको आप कहते हो ओरिजिन, जिसके हमने कोऑर्डिनेट लेट किए होते हैं 0 0, क्योंकि रेफरेंस आपका 0 0 होता है, उसके रिस्पेक्ट से आप बाकी की बात करते हो। तो अब इस पॉइंट की पोजीशन कैसे शो करते हो, दो डिस्टेंस हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला कि ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, उसको आप वाई से शो करते हो। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो वाई वैल्यू होती है, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है वो एक्स वैल्यू होती है। तो आप जस्ट पॉइंट में लिखते हो एक्स कॉमा वाई। लेट कर लो एक पॉइंट लिखा हुआ है 2, 3, आपसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट की पोजीशन बताओ। तो इस पॉइंट की पोजीशन ये है कि ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट के फासले पे है, x एक्सिस से 3 यूनिट के फासले पे। ये उल्टा होता है, कंफ्यूज नहीं होना। जो x वैल्यू है वो बताता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, और जो y वैल्यू है वो बताता है कि ये पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो कर सकते हो, जिसमें ये जो पहली चीज है x, इसके मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भी नाम बताए थे, इनपुट डोमेन और हर चीज। यहां पे आप यूज करोगे एब्सिसा, और जो y है यहां पे इसका नाम यूज करोगे ऑर्डिनेट। तो ये तो बेसिक बातें आपने पढ़ ली कोऑर्डिनेट सिस्टम की किसी पॉइंट की। अब पहला टॉपिक था 2.1 के अंदर, वो टॉपिक था कि अगर आपने किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, और बाय डिस्टेंस मेरा मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस। इन दो पॉइंट के दरमियान एक डिस्टेंस ये भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें आपको सबसे पहले लेट करना पड़ता है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो आप लेट कर लो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और अब फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला है स्क्वायर रूट पॉइंट की दोनों एक्स वैल्यू का डिफरेंस निकालो। मैटर नहीं करता आप x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, आपने क्या करना है बस दोनों की एक्स वैल्यू के दरमियान डिफरेंस निकालना है। जो भी डिफरेंस आए उसका स्क्वायर कर देना, फिर दोनों की वाई वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, जो भी डिफरेंस आए उसका आपने स्क्वायर कर लेना, और फिर जो भी इसके अंदर आ रहा है आप स्क्वायर रूट लो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन जो है ना उसमें स्टेप्स मैटर करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप नहीं करना, यहाँ पे आंसर निकालना है आपको। तो कंसीडर कर लो अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है 1, 2
-3.7। आपने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो मैं जिस तरह निकालता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी इसी तरह निकालना, बहुत जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले रूट लगा दो, फॉर्मूले को इग्नोर करो, आप दोनों x वैल्यू के दरमियान डिफरेंस निकालो। भाई 1 और -3 के दरमियान डिफरेंस 4 का है, या इमेजिन भी कर सकते हो ना, 1 और -3 के दरमियान डिफरेंस कितना 4 का। और अगर वैसे निकालना चाह रहे हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस -3 तो डिफरेंस जो है वो 4 का आ जाएगा, ठीक है। अब वो आप ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर आप -3 इस तरह करोगे तब -4 आ जाएगा, एक ही बात होगी दोनों केसेस में। तो आपने x का डिफरेंस निकाला, वो 4 आ रहा है, आप क्या करो 4 का स्क्वायर कर दो 16। फिर आप y की वैल्यू का डिफरेंस निकालो, आपके पास 5 आ रहा है, 2 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, स्क्वायर कर दो 25, और बस रूट ले लो इसका। 25 प्लस 16 क्या होता है 41, तो रूट 41 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक और आखिरी एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता देना, एक दो और मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ। ये आप लोगों की बुक की एग्जाम्पल है तो मैं उसी तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपके पास पार्ट 1 में करवा रहा हूँ बाय द वे, दो पॉइंट है x,1 और दूसरा पॉइंट है 2,3, और आपको बोला गया है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 4 के बराबर है। अब क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करते थे तो फॉर्मेलिटीज करते थे, नाम देते थे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पता है क्या आप करते हुए आ रहे हो। लेकिन एमसीक्यूज में मैटर नहीं करता, जो काम की चीज़ है वो आप लिख लो फौरन। यहाँ पे डिस्टेंस 4 है तो आप यहाँ पे लिखो 4। अब दोनों की एक्स वैल्यू का डिफरेंस निकालो, एक की एक्स वैल्यू एक्स है और दूसरे की 2 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, और स्क्वायर कर दो। y वैल्यू एक की 1 है, दूसरे की -3 है, 1 और सॉरी दूसरे की 3 है, 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस 2 का होगा, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद आपको x निकालना है ना यहाँ से, असल सवाल ये था कि x फाइंड करना है, तो किस तरह मालूम करोगे, स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ पे 16 आ जाएगा और इनका रूट जो है वो हट जाएगा। अगर सवाल को सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करते हैं, चलो रहने दो इसी से कर लेते हैं, इसमें खैर रूट में आंसर आ रहे हैं, मैं चाह रहा था कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसमें रूट में ना हो। चलो मेथड देख लो आप, यहाँ पे आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, रूट हट गया यहाँ से, उसके बाद इसको ओपन ना करो, मुश्किल कर दोगे सवाल को, आप 4 को इधर ले जाओ तो 4 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 16 माइनस 4 12। आपको x निकालना है, आप दोनों तरफ रूट ले लो, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, दो x की वैल्यू होंगी, एक होगी 2 प्लस रूट 12 और एक हो जाएगी 2 माइनस रूट 12, ठीक है। रूट 12 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, रूट 12 क्या हो जाएगा 2 रूट 3, ये भी लिख सकते हो। बहरहाल मेथड आपने देख लिया, जब आपको x निकालना हो और ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करोगे। एक आखिरी मेथड बता दूं, अगर आपको बोला जाए कि एक पॉइंट है 2,3, इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो अगर आपने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, बहुत इजी सवाल है, जस्ट स्क्वायर रूट लिखो, पहली वैल्यू का स्क्वायर करो, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करो, दैट्स इट, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से आ जाएगा रूट 13। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर साइन 7x साइन 5x। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने क्वेश्चन खैर कहीं से भी उठाया हो, असल मसला है क्वेश्चन क्या है। अब इसमें सर कौन सा MCQs? नहीं, मैं एक और स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट ने एक MCQs दिया, सो किस तरह सॉल्व करना है। देखो, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 0.0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एल हॉपिटल रूल लगाने लग जाओगे ना, तो न्यूमिनेटर तो ईजी है, डिनोमिनेटर आपको मसला कर देगा। डिनोमिनेटर अगर आप नोट करो तो बड़ा आ जाएगा, करके देख लेना, एक बड़ा डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन मेरे जहन में एक बहुत अच्छी ट्रिक आई है, जो बेसिक फॉर्मूला है आपने लिमिट में बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा, उसके लिए आप एक काम करो, इसको इस तरह कर दो, आप इस पूरी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हो,
आपने एक्स स्क्वायर को उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले गए, क्योंकि आपको रूल पता होगा जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, ये एक्स स्क्वायर दोबारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से मेरे पास एक फ्रीडम मिल जाएगी, वो फ्रीडम क्या होगी कि आपने लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर फ्रैक्शन मौजूद है तो लिमिट न्यूमरेटर पे भी लग जाती है, जो कि फ़ायदा नहीं होगा, वन है तो इतना मैटर नहीं करता, और लिमिट डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगी। अब डिनोमिनेटर पे लिमिट अभी नहीं लगाना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, किस तरह, इस एक्स स्क्वायर को इस तरह ब्रेक कर दो, इसके नीचे भी एक्स लिख दो, इसके नीचे भी एक्स लिख दो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बात एक है, कुछ आपने चेंजिंग नहीं की इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व ना करो, अलग से सॉल्व करके देख लो। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी मुझे याद करवाई है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था लिमिट के अंदर, वो यहाँ से आप सीख जाओगे कि दो लिमिट है, एक तो ये वाली लिमिट निकालनी है, एक ये वाली लिमिट निकालनी है। अगर आपके पास इस टाइप की लिमिट आए, मतलब अगर तो सेवन नहीं है तो इस पूरी चीज़ का आंसर वन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइन के साथ कोई एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे सेवन एक्स है, तो इस लिमिट का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, सेवन के बराबर होगा। जो साइन के साथ एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन सेवन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, सेवन के बराबर। इसी पैटर्न पे आप इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, फाइव के बराबर, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, ऊपर वन है, नीचे क्या हो जाएगा, थर्टी फाइव। तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट हो जाएगी वन अपॉन थर्टी फाइव। नाइस मेथड सर, समझ आ गया। लेकिन इतने क्वेश्चन मैंने बड़े एनडी में देखे नहीं है यार, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिए। अच्छा, 2.1 में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक था ना, वो टॉपिक ज्योमेट्रिक शेप से रिलेटेड था, उनके बारे में आपको कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मैं जाहिर सी बात है आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बताऊंगा उनके बारे में, कुछ बातें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, कुछ मैं आप लोगों को वर्बली बता दूंगा, बाद में आप लोग कॉपी कर लेना उसको। सबसे पहली बात, अगर आप ज्योमेट्रिक शेप की बात करो तो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइंगल वो वाली शेप होती है जिसके अंदर तीन साइड्स होती हैं। सबसे पहली बात, ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ट्राइंगल की कुछ टाइप्स एंगल के हिसाब से हमने बनाई हुई हैं, ट्राइंगल की कुछ टाइप्स हमने लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल से बनाई हुई हैं। कहने का मतलब, ट्राइंगल की तीन मशहूर टाइप आप लोग अपने बचपन से ज्योमेट्री में पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है कि जिसमें सारे एंगल जो हैं, तीनों एंगल होते हैं ना, तीनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होता है कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। स्टूडेंट समझते हैं कि सारे एंगल 90 से बड़े होने चाहिए, तो फिर तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूज में जस्ट एक एंगल जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 90 से, बाकी ऑब्वियसली 90 से स्मॉल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 है तो बाकी तो डेफिनेटली 90 से कम होंगे, वरना सम तो 180 से एक्सीड कर जाएगा। तो ये होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल होता है जो बहुत मशहूर ट्राइंगल है, जिसके ऊपर ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेस कर रही है, और वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, उस वाले ट्राइंगल को आप बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मजीद कुछ पॉइंट्स में बता दूं कि लेट कर लो, अगर वो आपको बोले कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बन रहा है बी के ऊपर, मतलब वर्टेक्स बी के ऊपर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आपसे वो पाइथागोरस थ्योरम पूछेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आई गेस आप लोगों को आता होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपसे वो बोलें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल बन रहा है वो बी के ऊपर बन रहा है, बाकी आप लेट कर लो ए बी सी नाम दे दो, असल चीज क्या है कि राइट एंगल बी के ऊपर आ रहा है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेसिक स्टैंडर्ड नोटेशंस पढ़ी थी ट्राइंगल के अंदर, कि जो वर्टेक्स बी के सामने साइड है वो स्मॉल बी होती है, वर्टेक्स सी के सामने साइड स्मॉल सी, और वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, तो अगर राइट एंगल बी पे बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज स्मॉल बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्मॉल बी हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर राइट एंगल ए पे बन रहा है तो अब पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वर्टेक्स ए है तो हाइपोटेन्यूज स्मॉल ए हो जाएगा, और अगर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल सी पे बन रहा है तो अब पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये कुछ बेसिक बातें आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। ट्राइंगल की आपकी एक वीडियो भी है ना, ज्योमेट्रिक शेप पे मैंने वीडियो बनाई भी, ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 3 है सेकंड ईयर का, उसमें आपको मिल जाएंगे, उन डिटेल में इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है, तो वो आप लोग देख लेना वहां पे जाके। अब जो तीन ट्राइंगल है वो ट्राइंगल की जो साइड लेंथ है ना उसके हिसाब से हमने डिवाइड किए हैं, कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल को आप बोलते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बेसिक थ्योरम होता है ज्योमेट्री के अंदर, कि अगर दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड जो है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर तीन एंगल इक्वल हैं तो फिर तीनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसकी तीन साइड इक्वल हैं, इसका मतलब उसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, उसमें सबसे पहली बात कि अल्फा बीटा गैमा ये इक्वल होंगे, क्योंकि जब तीन साइड्स इक्वल हैं आपस में तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और टोटल एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तीनों एंगल अगर इक्वल हैं और सम भी उनका 180 होना चाहिए, तो सिंपल सा तरीका है 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 60 आएगा। इसका मतलब हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, अल्फा भी 60 है, बीटा भी 60 है, गैमा भी 60 है, दैट्स वाई आपस में इक्वल भी हैं और इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए। दूसरा ट्राइंगल है आइसोसेलिस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को आप बोलते हो आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें वही आपको याद रखना है थ्योरम, कि लेट कर लो आइसोसेलिस में दो साइड्स इक्वल है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, लेट कर लो ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम है, इसको कोई गलत प्रूव ही नहीं कर सकता इसको, कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भाई इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए और बी, ये दो साइड आपस में बराबर हैं, कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है ना, तो कंसिडर कर लो ए और बी आपस में बराबर हैं, तो फिर एंगल्स क्या होंगे, तो अल्फा और बीटा भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ए के सामने वाला एंगल जो है वो अल्फा होता है और बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है। अगर ए और बी बराबर है इसका मतलब फिर अल्फा और बीटा भी बराबर होंगे। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बराबर है सी के, तो फिर अल्फा बराबर हो जाएगा गैमा के, जो भी दो साइड इक्वल है उनके सामने वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात होगी आइसोसेलिस ट्राइंगल की। अब एक आखिरी ट्राइंगल है जिसको आप बोलते हो स्केलिनी ट्राइंगल। स्केलिनी ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट है। अगर उसकी सारी साइड डिफरेंट है इसका मतलब उसके सारे एंगल्स भी डिफरेंट है। तो बस इतनी बात ही है, उसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है। जितनी मैंने बातें बताई हैं आपको ट्राइंगल से रिलेटेड बताई हैं, अभी बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। नहीं पता तो वीडियो जब आपको मिले तो देख के नोट कर लेना अपने पास। कोई सवाल यहां तक? ये बात की जा रही थी अभी ट्राइंगल्स की। अच्छा, जो पॉलीगॉन्स होते हैं ना, एक वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स वो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। क्लोज फिगर मतलब ओपन नहीं होनी चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए जिनकी जो साइड्स हैं वो सब स्ट्रेट लाइन है। क्लोज फिगर और उनकी साइड जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उस वाली शेप, उस वाली फिगर को आप बोलते हो पॉलीगॉन्स। मिनिमम पॉलीगॉन जो है वो तीन साइड का होता है, जिसको आप ट्राइंगल बोलते हो, ठीक है। ऐसा पॉलीगॉन जो पांच साइड का होता है उसको आप क्या बोलते हो, पेंटागॉन। हाँ, जो छह साइड का होता है जैसे बेंजीन, उसको आप क्या बोलते हो, हेक्सागॉन, ठीक है। जो चार साइड का होता है उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर फोर साइड्स हो, क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर कितनी साइड्स हो, फोर साइड्स हो, उस वाले पॉलीगॉन को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। अब सवाल ये कि क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से और शेप्स आ जाती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है जिसको आप बोलते हो, बहुत ही मशहूर है, पैरालेलोग्राम।
इनके बारे में बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक बातें जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो आपके एमसीक्यूज में याद रखनी है। दूसरी टाइप जो है उसको आप बोलते हो ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड भी एक फोर साइडेड फिगर है। और तीसरा जो है उसको आप बोलते हो काइट। ये वही शेप है काइट जो आप रियल लाइफ में उड़ाते भी हो, वो ज्योमेट्रिक शेप है बकायदा एक। अच्छा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में आपको बेसिक बात बतानी चाहिए कि पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है। दो बातें बतानी चाहिए सबसे रिलेटेड। तो पैरेललोग्राम की दो बातें क्या है कि इसमें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। जैसे ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा पॉइंट कि जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ये अपने पास आप लोग लिख लेना। मैंने वीडियो में जो जिन स्टूडेंट ने जिक्र किया था लेक्चर नंबर 3 है सेकंड ईयर का, उसमें मैंने लिखवाया हुआ भी है साथ, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग देख लेना, वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं जो जरूरी जरूरी पॉइंट्स है वही आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लेना अपने पास से, अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। आपको देखने में लग रहा है ये एक बड़ा डायगोनल है और ये एक छोटा डायगोनल है, ठीक है, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। याद रखना पैरेललोग्राम की जितनी और टाइप्स हैं और पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस चीज पे क्यों जोर डाल रहा हूं, अभी आगे आपको ये बात समझ आएगी। तो याद रखना इसके अंदर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ये बात होगी पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब पैरेललोग्राम की तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल, तो आप जरा रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। यार देखो अच्छा बाकी मैं पहले शेप बता देता हूँ। दूसरी शेप है स्क्वायर और तीसरी टाइप है रोम्बस। ये सब पैरेललोग्राम की टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, उसको आप पैरेललोग्राम बोलते हो। तो ये डेफिनेशन, रेक्टेंगल भी पूरी उतरता है इस डेफिनेशन पे, स्क्वायर भी पूरा उतरता है, रोम्बस भी पूरा उतरता है, क्योंकि सब में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, दैट्स व्हाई सबको आप पैरेललोग्राम बोलते हो। अब आ जाओ रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल में वही कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल है और पैरेलल है। दूसरा पॉइंट, अगर आप डायगोनल की बात करो तो आपको दिखने में लग रहा है दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और साथ साथ वो बाइसेक्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर की, मेरा और आप सबका फेवरेट स्क्वायर। सब साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, अपोजिट साइड तो इक्वल है ना इसकी ऑब्वियसली, तो पैरेललोग्राम तो आप बोलोगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या है कि अपोजिट साइड भी इक्वल है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो सब साइड इसके अंदर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल भी होते हैं और आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी अगर याद रखनी है तो रख लो कि डायगोनल्स के दरमियान एंगल भी 90 डिग्री होता है। ये पैरेललोग्राम में भी नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है, स्क्वायर के अंदर होता है कि डायगोनल्स के दरमियान एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, आपस में 90 डिग्री भी बना रहे हैं और सब साइड जो हैं वो आपस में इक्वल भी हैं। उसके बाद रोम्बस है। अच्छा, मुझे नहीं पता सब लोग रोम्बस इस तरह क्यों बनाते हैं। मेजॉरिटी अगर आप टीचर्स को देखोगे और अगर आप नेट पे लिखोगे ना, रोम्बस इस तरह बना हुआ होगा, ये लगा लो आप मेजॉरिटी, मैंने भी ऐसी पढ़ाया हुआ है, मेजॉरिटी लोग इस तरह रोम्बस को बनाते हैं। तो जरूरी नहीं कि रोम्बस इस तरह बनेगा, रोम्बस इस तरह भी बन सकता है। ये पैरेललोग्राम टाइप का है, नहीं पैरेललोग्राम लेकिन उस टाइप का बन सकता है। रोम्बस की जो डेफिनेशन है उसको जरा देख लो कि रोम्बस ऐसी शेप है जिसमें सारी साइड जो है वो आपस में इक्वल हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है, डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होंगे। ये वाला डायगोनल दिखने में लग रहा है बड़ा है और ये वाला डायगोनल जो है वो छोटा है। तो रोम्बस ऐसी शेप है जिसमें सब साइड्स तो इक्वल हैं, ये तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं ना, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, इसमें डायगोनल अनइक्वल होते हैं लेकिन बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। डायगोनल अनइक्वल तो है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो रोम्बस इस तरह भी बना सकते हो, रोम्बस इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन आप इस तरह शेप बनाओ कि जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों। इसमें मैंने कोशिश की थी ये थोड़ी छोटी साइड हो या बड़ी साइड हो, दिखने में शायद आपको सेम लग रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि इन दोनों में फर्क आपको समझ आ जाए।
ये पैरेललोग्राम है कि भाई जिसमें दिखने में लग रहा है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल है बस, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो सब साइड इक्वल लग रही है। तो दोनों तरीके से आप रोम्बस को बना सकते हो। ये कुछ रोम्बस के बारे में मैंने आप लोगों को पॉइंट बता दिए। तो जो पैरेललोग्राम वाला पोर्शन है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब आ जाओ ट्रेपेजॉइड पे। ट्रेपेजॉइड ऐसी शेप होती है कि जिसमें पहली बात चार साइड है ना, तो आप पेयर बनाते हो। जैसे इसमें एक पेयर ये बन गया अपोजिट साइड का, एक पेयर ये बन गया। तो ट्रेपेजॉइड में ये होता है कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होता है। ट्रेपेजॉइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आप जिस तरीके से बनाना चाहो बना सकते हो इसको। जैसे स्टार्ट आपने किस तरीके से करना है, आप एक छोटी वाली लाइन लो, आप एक बड़ी लाइन ले लो, बस दोनों पैरेलल रखो। अब जिस तरीके से आप बनाना चाहो ट्रेपेजॉइड को बना सकते हो। आप इस तरह भी ट्रेपेजॉइड को बना सकते हो। अच्छा, अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप इस वाली साइड को थोड़ा छोटा कर दो, ये भी आपका ट्रेपेजॉइड बन गया। अगर आपका दिल चाह रहा है तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये भी ट्रेपेजॉइड बन गया। तो ट्रेपेजॉइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बस रूल क्या कहता है ट्रेपेजॉइड के अंदर कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए और दूसरा पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होना चाहिए। अगर आप इस वाले पेयर को एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएंगे, मतलब ये वाला पेयर जो है ये नॉन पैरेलल है और ये वाला पेयर जो है ये पैरेलल है। ठीक है, तो बस मैं एक बेसिक शेप बता देता हूँ, उससे रिलेटेड फिर हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ लेंगे। तो ट्रेपेजॉइड की एक बेसिक सी आसान सी हम डायग्राम बना देते हैं। लेट कर लो ये ट्रेपेजॉइड है। तो याद रखना ट्रेपेजॉइड में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, आप तभी इसको पैरेललोग्राम नहीं कहते, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती। ये पॉइंट देख लेना, तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप इसके डायगनल बताओ तो दोनों डायगनल इक्वल भी नहीं होते, डायगनल बाइसेक्ट भी नहीं करते। तो इसमें हर चीज़ अलग है, कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई डायगनल आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी डायगनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइड में एक और टाइप होती है जिसको आप बोलते हो आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड। ये वही होता है जो नॉर्मल ट्रेपेजॉइड होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि जैसे इसमें ये नॉन पैरेलल वाला पेयर था ना, अगर ये लेंथ में इक्वल हो जाए, रहे अभी भी नॉन पैरेलल, अगर ये लेंथ में इक्वल हो जाए तो अब उस ट्रेपेजॉइड को क्या बोलोगे, आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड। जैसे अगर आप देखो यहां पे, अगर आप इस पेयर को देखो, अभी भी ये नॉन पैरेलल है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन अब ये लेंथ में इक्वल है। ये जो नॉन पैरेलल वाला पेयर था, अब ये लेंथ में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस ट्रेपेजॉइड को आप बोलोगे आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड, और आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड में डायगनल बाइसेक्ट तो नहीं करते लेकिन इक्वल होते हैं। आपको दिखने में लग रहा है कि दोनों डायगनल जो है ये आपस में इक्वल है लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आखिरी शेप आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको बात पता हो। काइट शेप, यार सबने उड़ाई हुई है, सबको पता है, ये काइंड ऑफ रोम्बस होता है ऊपर से, लेकिन नीचे से इसकी दुम बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऊपर से ये रोम्बस आपको लगेगा, लेकिन नीचे से इसकी दो साइड बड़ी हो जाती है। तो काइट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि एक पेयर जो है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट पेयर, ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ये पेयर जो है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये अपोजिट पेयर नहीं है, ये जहन में रखना, इसमें कोई भी पैरेलल नहीं है जिसको आप अपोजिट बोलोगे। यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है आपस में, और ये जो एडजेसेंट वाले हैं ना, साथ साथ वाली जो दो साइड हैं, ये आपस में इक्वल हैं। इसी तरह ये दो साइड जो हैं, ये आपस में इक्वल हैं। और काइट में डायगनल जो है वो आपको देखने में लगेगा कि अनइक्वल है, इतनी अजीब सी शेप बनी हुई। बहरहाल ये आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, ये जो मैंने पूरा बताया है ना, इसको आप लोग जहन में रख लेना बस।